मैंने हेयर कलर कराया था ना, तो फिर हाँ इसने देख लिया कि मैं बहुत पैसे उड़ा रही हूँ, तो फिर इसने ये कह दिया कि आज से मैं तेरी कोई स्ट्रीम नहीं करूँगा, अपने आप करो अपना। मैंने कहा तेरे को क्यों जलन हो रही, तू करा ले बाल कलर। तो कहने लगे उसके लिए बाल होने भी तो चाहिए सर पे। सुनो गाइस, तुम तीनों लोग एक संग चलो, मैं अकेला। सब पहले इनको ही बेलना। ये लोग एक संग चलो, मैं अकेला। क्या भी देखा मैंने, अनिल मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ। तो बोलो, मैं आपको क्या बोलूं? दादी। दादी? हाँ। दादो बोलो, दादो। नार सही है ना? नहीं, प्रणाम दादी माँ। कोई खर्चे के लिए पैसे दे दो। आप दो ना, आप दो ना। पता है इसने कई बार मेरा ऐसा काटा है कि मैंने इसको बहुत सारी चीजें भेज दी कि ठीक है नहीं, कोई को ऑर्डर कर देना किसी पे, मेरे को 50% ऑफ मिल रहा है, मतलब उस चीज़ उस आइटम पे, किसी पे 65% ऑफ। मैंने कहा अब कर देना, अब कर देना, अब कर देना। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने सोचा कर दिया होगा। फिर मैं पूछ रही हूँ, अरे वो काम के चक्कर में भूल जाता। काम के चक्कर में नहीं, वो ये सोचता है मैं ही भूल जाऊँ वो चीज़ मंगाऊँ। बहुत सारी चीज़ें उसने नहीं मेरी ऑर्डर करी, भी मुझे याद आ गई। आज करवाऊंगा सारा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बुरा लगेगा ना ऑफलाइन। पहले पता है मैं कैसी लड़की थी, जैसे मैं मार्केट में कुछ खरीदने गई, कुछ भी खरीदने, तो मैंने वो किसी एक शॉप से ले लिया, जैसे 500 रुपए की कोई चीज ले ली मैंने, फिर मैं आगे शॉप पे गई, वही चीज मेरे को मिल रही थी वहाँ पे 450 की। मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी घर पे आके, मैं कहती थी हो मेरे को 50 रुपए का नुकसान हो गया। मैं रोती थी, मतलब रोने से मतलब मैं उसी चीज को बार बार रिपीट करती थी, तो सब कहते थे पागल हो गई है क्या, हेलो स्ट्रीम चल रहा है क्या। नहीं, जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज बता दो ना मेरी हाइलाइट्स कैसी लग रही हैं। बिल्कुल नहीं पसंद आया। अद्दू अद्दू, एक्चुअली मेरा बहुत सालों का सपना था कि मैं अपने बालों में हाइलाइट्स करवाऊं, बट ये अब जाके पॉसिबल हुआ है। ये क्या पूरी साल रहेगी? हाँ, इनके ऊपर फिर एक ट्रीटमेंट होता है केराटिन, वो किया गया है, अब ये परमानेंट फिक्स हो गया है। परमानेंट ऐसे ही रहेगा? पर हाँ, जब तक कटेंगे नहीं तब तक ऐसे ही रहेंगे। बहुत कॉस्टली पड़ा हुआ? अ कॉस्टली तो पड़ा है। हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ, बहुत कॉस्टली पड़ा। कितने का पड़ा वैसे? 11,000। नहीं रुको बोलने तो, कितने का पड़ा? हाईलाइट्स तो पड़ा मेरे को 6 का। ओके। और केराटिन पड़ा है 10 का। 10 का? हाँ, केराटिन जो ट्रीटमेंट। क्या लोड मचा रखी है उधर? नहीं नहीं नहीं, लोड नहीं है, वो ना कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने जिस कंपनी का प्रोडक्ट लगवाया है वो बहुत कॉस्टली है। तो इतना लाइफ खराब। वो ये कह रहा था मैं तेरे को एक्सपोज वाला वीडियो बनाऊंगा। क्या इसको एक्सपोज? ये एक्सपोज करेगा कि ये लड़की खुद स्ट्रीम नहीं करती, मुझसे कराती है, पैसे खुद रखती है, स्ट्रीम मुझसे कराती है, शॉपिंग खुद करती है, बाल खुद कलर कराती है और स्ट्रीम मेरे से कराती है। ये इसने मेरे से कल बोला था, जब मैंने हेयर कलर कराया था ना, तो फिर इसने देख लिया कि मैं बहुत पैसे उड़ा रही हूँ। परसों मैंने शॉपिंग की तो इसने ये देख लिया मैं बहुत पैसे उड़ा रही हूँ, तो फिर इसने ये कह दिया कि आज से मैं तेरी कोई स्ट्रीम नहीं करूँगा, अपने आप करो अपना। मैंने कहा तेरे को क्यों जलन हो रही, तू करा ले बाल कलर। तो कहने लगे उसके लिए बाल होने भी तो चाहिए सर पे, क्या कलर है। Wait till you see the no. तुम करवा लो हेयर कलर कहाँ पे? बाल पे और कहाँ करवाओगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपड़ों पे करवा लो। आज मैं कितने दिनों बाद अपने रियल फेस के साथ आई हूँ, वो भी सोते हुए फेस के साथ आई हूँ। कई बात नहीं, मैं कार्टून फेस भी लगा सकती हूँ।
भैया कहाँ है? यहीं पे है। मोटा हाय बोल देना। Say hi to my audience. Hi. Say hi to your fans. बच्चे हैं। Your fans. बच्चे हैं। अक्का, you know Tamil? Yes. Yes, Kumban, I know Tamil. I know Akka. I know Vanakkam. Or? I know. Kada 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 मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ ना, इस वजह से। तो वो सेंटा फ्रूट लेकर आ गया। कैसी जीव लब लब।